एक अजीब सा सन्नाटा है, एक अजीब सी खामोशी है। हमें इस वक्त जंतर मंतर पर स्वर्गीय सुषमा स्वराज की आवास पर यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर के तमाम सियासी पार्टियों के नेताओं का जमावड़ा इस वक्त यहाँ पर लगा हुआ है। हर शख्स आकर के यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहा है। जाहिर तौर पर जैसे ही 10:50 पर आज दुखद घड़ी आई, उसके बाद में देश में एक ऐसी शोक की लहर उठ गई। हर शख्स न सिर्फ परेशान है बल्कि ये सोच रहा है कि वो महिला जिसने 1975 से लेकर के जेपी मूवमेंट के साथ में जिस तरीके से काम किया और उसके बाद में 7 लोकसभा के सांसद, 3 विधानसभा के सदस्य रही, पूर्व विदेश मंत्री के तौर पर जिस तरीके से विदेश मंत्रालय को आम आदमियों से जोड़ा और खास तौर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो कार्य किया, हर शख्स आज उन्हें जिस तरीके से याद कर रहा है। जाहिर तौर पर ये उनका व्यक्तित्व था कि हर शख्स नम आंखों से उन्हें यहाँ पर आकर के श्रद्धांजलि दे रहा है। जाहिर तौर पर ऐसा व्यक्तित्व जिसके लिए हर शख्स जो यहाँ आ रहा है वो कह रहा है कि लोगों को अपनी जिंदगी में कुछ वैसा ही आचरण अपनाना चाहिए। कल यहाँ से 10 बजे उनका पार्थिव शरीर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर ले जाया जाएगा, जहाँ से 1 के आसपास फिर उनकी अंतिम विदाई के लिए अंतिम यात्रा उनकी शुरू होगी। कैमरा पर्सन अर्शद खान के साथ जब्बार खान, 9 TV।